ਜਗਨੂ ਕੇ ਕਿੱਸੇ ਜ਼ਖਮੋ ਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਝ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਜੀਤ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਲਗਨ ਕੇਸਰੀ ਨੰਦਨ ਨੰਦਨ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਨ ਕਰ ਤੂੰ ਤੋ ਸੋਨੇ ਜੈਸੀ ਚਮਕੇ ਤੇ ਪਛਾੜ ਔਰ ਚਿਤ ਕਰ ਜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਧਮਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਨ ਕਰ ਤੂੰ ਤੋ ਸੋਨੇ ਜੈਸੀ ਚਮਕੇ ਤੇ ਪਛਾੜ ਔਰ ਚਿਤ ਕਰ ਜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਧਮਕੇ ਹਰ ਦੁਆ ਵਰਦਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਗਮ ਤੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨੰਦਨ ਤੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨੰਦਨ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕਰ ਜੀਤ ਦਿਲਾ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਮਾਨ ਬੜਾਇਆ ਦੇਖ ਫਤਿਹ Thank you so much. Ready, ek baar taali ho jayegi. Aur 3 2
मेरा भाई बिगड़ रहा आपका चुल्ला है क्या ये स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगा कि बहुत चैनल में और सीरियल रिलेटेड फैमिली सास बहू एंड यू नो देर आर सो मेनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप लेके रोमांस लेके सारे कॉन्सेप्ट देख किया अभी दिस इज वन ऑफ यू नो वन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड सो वी आर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दिस यू नो केसरी नंदन बहुत अच्छा लगा इट्स आई थिंक इट्स वेरी यू नो इंटरेस्टिंग ऑल्सो पीपल माइट बी लव watch this script and this must be I think those who cannot you know what I mean to say that is those who are not much aware in sports they will be getting more you know aware after seeing this watching this serial I hope people might be getting more motivation even you young you know young kids and bachche log aur mera kya kehte hain inspire hoga बहुत सारे तो हमारे ऊपर में पीपल आर ऑलरेडी इंस्पायर बाय मी एंड फोगेट एंड अदर लेजेंड्स यू नो दोस हु डूइंग गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड सो ये और अच्छा चांस है कि पीपल गेट मोर इंस्पिरेशन लेकिन मैंने आपने बता ही दिया इतना तो सबको क्या शो के बारे में के बारे में सब और मुझे मैं ये कहूँगी कि बहुत ही प्राउड की बात है कि कलर्स चैनल ने इस शो के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शो के साथ उस शो का की शुरुआत की है और उससे जो आने वाले बच्चे हैं छोटे बच्चे या फिर जो जो लोगों की जो कमेंट भी बनी हुई है कि हालांकि हमने अचीव किया है इस स्पोर्ट्स में चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो एंड लेकिन जब ये शो हर घर तक पहुँचेगा तो इससे लोग और जागरूक होंगे और स्पोर्ट्स के बारे में जान सकेंगे और ये जान सकेंगे कि बेटियाँ किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है तो बेटियों को भी आज़ादी दे रही चाहिए बेटियों को भी स्पोर्ट्स और जिसमें वो जाने चाहते हैं उस फील्ड में उनको जाने की आज़ादी चाहिए तो खास करके अगर पेरेंट्स की अगर मेंटली चेंज होती है तो उससे एक बहुत ही बड़ा बदलाव हम समाज में आ सकते हैं ओके मैम ने जैसे कहा कि ये हमेशा हमने देखा है ये लव स्टोरी सास बहू के सीरियल है बट ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये दंगल बेस या फाइटिंग स्पोर्ट्स बेस स्पोर्ट्स पे ये शो कैन वी से इट्स ए न्यू रिवॉल्यूशन इन टीवी सीरियल यस बिल्कुल हम कह सकते हैं एक बहुत ही प्राउड की बात है कि पहली बार टीवी पे ये सीरियल के माध्यम से ऐसा शो की शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समाज में बदलाव में बहुत
मौका मिला तो हो मेरा कंधे को जब रिलीज हुई तो आपको उससे रिस्पॉन्स आया था लेकिन उससे आपको लगता है गांव के लोग जो टिपिकल जो गांव है वहां के लोगों में कोई बदलाव आएगा? देखिए बिल्कुल बदलाव मैं 3-4 सालों में अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव है, चाहे वो दंगल फिल्म हो, चाहे मैंने दिन वो जो फिल्म बनी है मेरी कॉम फिल्म, या फिर जो लड़कियाँ जो स्पोर्ट्स लड़कियाँ स्पोर्ट्स में जो अचीव करती हैं, चाहे चाहे ओलंपिक में हमारे 2 मेडल वो भी लड़कियों के मेडल मैरी जी ने 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन, सो बहुत बड़ा एग्जांपल है लोगों के सामने। और इन सब एग्जांपल्स की वजह से इन सब लोगों क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने कुश्ती की शुरुआत की थी तो मेरे पिता ने देखा था कि 2000 में कौन मिले ओलंपिक में मेडल जीता, टी वी के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा कि ये भी तो बेटी है और ये भी तो देश के लिए मेडल जीत रही है, तो वहाँ से मेरे पिता ने सोच बना कर मैंने कोशिश लगाया, तो वहाँ से एक मेडल से उन्होंने हमें 6 मेडल तैयार किया, तो इतने सारे लोग अभी देखेंगे बेटियाँ इतना चक्कर है स्पोर्ट्स में और अभी शो आ रहा है तो ये हर घर तक पहुँचेगा, तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने में लगती हैं लेकिन ये समाज को बहुत बड़ा आईना देती है जिससे समाज को की मानसिकता बदलने में बहुत कल्याण है। वहीं पर कई बार सेलिब्रिटीज इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनने को मिलते हैं कि देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, देश में उन्हें डर लगता है, उस पर क्या कमेंट करें? अगर आपने नसीब से आपका स्टेटमेंट सुना होगा देखिए मुझे नहीं पता कि हर लोगों की हर इंसान की सोच अलग होती है और नज़रिया अलग होता है, लेकिन जरूर ये कभी कभी खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षित हम बोलते हैं कि हमारे देश में इतना सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि बोलने से नहीं, हमें हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है जिससे कानून सख्त होगा तो लोग उससे क्योंकि लोग कानून से डरते हैं और अगर कानून सख्त होंगे तो उससे महिलाओं की सुरक्षा में मैं कहूँगी कि हम सुरक्षित और अच्छे से रह सकेंगे। और बस इतना ही कहती हूँ कि समाज अगर महिलाओं के लिए गवर्नमेंट अगर सख्त कानून बनाती है तो और भी बेहतर रहेगा, महिलाओं को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को कमज़ोर महसूस होने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत होती है तो खुल के हमें सामने आना चाहिए, खुल के उसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए उसको। थैंक यू इट इज़ ग्रेट है ना, पहला शो बना है और कब से बनना चाहिए था, बहुत पहले बनना चाहिए था ये शो, और ये शो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर बेस्ड नहीं है, दिस शो इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लिब्रेशन ऑफ गर्ल्स, कि लड़कियों को कैसे बड़ा किया जा सकता है और कैसे उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो ये शो वो भी है, फादर डॉटर रिलेशनशिप का है, माँ बेटी का है, सो इस शो में बहुत सारे रस अलग अलग से हैं, सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ न्यू शो एंड इट्स अ फ्रेश वेव ऑफ टीवी आई थिंक। मैरी कॉम से अभी हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये सीरियस एक रिवॉल्यूशन आएगा एक टीवी में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेगी? बिल्कुल आई थिंक ये शो ऐसा है जो कि एक नई सोच विचारधारा को यू नो जन्म देगा, और जो गांव खेड़े में बहुत सारे अभी भी जगह है जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को सिर्फ रेसलिंग की नहीं किसी भी स्पोर्ट के लिए इतना इनकरेज नहीं करते हैं ना, तो आई थिंक वो भी बहुत काबिल होती है ये बताने के लिए ये शो बना हुआ है। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हनुमान सिंह रेसलर हैं, कभी हारा नहीं है और उसको गुरूर है अपने अखाड़े पर, अपनी लीनेज पर है ना, अपनी परंपरा पर कि जीतता आया है अपने बाप दादा के ज़माने से, और अब वो चाहता है कि अपना बेटा ले, लेकिन इस वक्त उसकी जीवन में ये कश्मकश है कि बेटियाँ आ गई हैं और बेटियाँ इस परंपरा को आगे नहीं ले जा सकती, तो वो कश्मकश है। ओके सर, ये शो के अलावा आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है उसके बारे में भी बहुत बातें हो रही है, तो कितना मुश्किल था? कठिन था, दिन में अखाड़ा में जाना, फिर जिम भी करना, डाइट का ध्यान रखना, 8 घंटे सोना, सब कुछ बहुत मुश्किल था विद द शूट्स, लेकिन आई थिंक ये ऐसे कैरेक्टर्स कम बनते हैं, सो इसके लिए फिर वन हैज़ टू फाइट अ लिटिल हार्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
इन्जॉय कर रहे हो और कितना एक्साइटेड हो इस कैरेक्टर को लेकर? ओके, इन्जॉय तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे राजस्थानी कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे लिए ये कैरेक्टर, ये शो बहुत स्पेशल है. और एक्साइटेड ऑब्वियसली हूँ क्योंकि एक बहुत अलग चीज़ हम लेकर आ रहे हैं और जो फर्स्ट लुक लोगों को पसंद आ रहा है, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि कब लॉन्च होगा है, कब लोग देखेंगे. सो या वी आर वेरी एक्साइटेड. जब प्रोमो भी लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था, काफ़ी लोगों ने उसे, और जब ऐसे कोई सीरियल आते हैं तो लोग उस चीज़ से काफ़ी उत्साहित हैं. जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब शो का प्रोमो लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अच्छा वुमेन स्पोर्ट्स के बारे में हम आ रहे हैं, पर हमारा शो सिर्फ कुश्ती नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने शो में दिखाए हैं, जो आप शो देखोगे तो आपको समझ में आएगा. तो अभी तक का टच वुड फीडबैक अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है. सो आई होप ऐसा ही आगे भी हो. जैसे आपने बोला कि सिर्फ कुश्ती ही नहीं है और हाँ, भी कुछ है, तो जैसे अभी हम भी जानते हैं कि आप खुद एक राजस्थान से बिलोंग करके, तो इस कैरेक्टर को लेकर कितना प्रिपेयर किया? मैंने जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ मदर, तो वो मेरे लिए वो जो इमोशंस हैं वो बहुत नए हैं, क्योंकि इन रियल लाइफ आई डोंट नो हाउ इट इज़. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, एंड इन रियल लाइफ मैं बहुत मस्तीखोर हूँ. तो अभी वो जो है ना, वो एकदम शांत ठहराव लाना कैरेक्टर में, तो आई एम स्टिल लर्निंग. कई बार ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ मिस आउट कर देती हूँ, तो फिर मुझे डायरेक्टर बोलते हैं कि यू नो ऐसा है. सो या आई एम स्टिल लर्निंग. लाइक आई सेड, मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, तो मुझे ना लोगों को मारने में बड़ा मज़ा आता है. तो दो माई कैरेक्टर इज़ लाइक दिस, पर मैं किक बॉक्सिंग करती रहती हूँ, मैं पंच मारती रहती हूँ, आए दिन अपने आप को चोटें लगवाती हूँ. तो कुश्ती नहीं करती हूँ, बट कुश्ती जैसी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, हर दिन करती हूँ. ओके, सो लास्ट अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहूँगी? मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हम एक बहुत ही प्यारा सा शो लेकर आ रहे हैं केसरी नंदन, जो कि कलर्स पाएगा 8:30 फर्स्ट जैन से हम आ रहे हैं. तो प्लीज़ हमें देखिएगा, और हमारे लिए आप दिल से अगर दुआ कर सकते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है. और ये शो ना सिर्फ एक डेली सोप नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप देखिए, लोगों को बोलिए कि देखें, प्लीज़ देखिएगा. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू. एक्साइटेड है आपका जो शो आ रहा है न्यू केसरी रंग? मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, और ये मेरा फर्स्ट शो है, और ये मेरा पहला शो है जिसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ. तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये शो सुपर डुपर हिट जाए, और ये नया शो है और वो भी कॉन्टिलो प्रोडक्शन से. मैं थैंक करना चाहती हूँ कलर्स टीम को कि उन्होंने मुझे वापस लिया, और मैंने चारों के चारों शो मैंने कलर्स पर ही किए हैं, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कॉन्टिलो प्रोडक्शन को. ओके, आप मैरी कॉम की और गीता फोगाट की फैन रह चुकी है, आपने अभी जस्ट हाँ, मिली है, तो कैसे हाँ, है, कैसा था फीलिंग? मतलब जैसे अभी नहीं मिली हूँ आज, मैं कल भी मिली थी. तो जब मैं कल उनके साथ शूट कर रही थी, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया, इसलिए कि मैं अपने सिबलिंग के साथ शूट कर रही हूँ. उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया, और इतने फ्रेंडली थे, बहुत हम्बल थे वो, हमसे आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, एंड वी आर हैविंग फन. ओके, मानव सर और आस्था जी ने कोई टिप्स दी या कैसे रहा आपका बॉन्डिंग उनके साथ? बहुत अच्छा रहा है, और जब भी हमें ब्रेक मिलता है मस्तियाँ करते रहते हैं. ओके, लास्ट क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को, फर्स्ट जैन को आपकी मुहारी है? मैं कहना चाहूँगी कि ये मिस ना करें सीरियल, बिकॉज इट हैज़ अ रियली डिफरेंट स्टोरी. वो दूसरे की तरह नहीं, सास बहू ये वो हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो थैंक यू, वेलकम.